जब धनुष धनुष यहाँ पर रखा था जी जी, जब धनुष को रखा तो पत्थर धनुष पिघलता गया, धनुष का आकार बनता। इसको इसको नजर करिएगा थोड़ा, जो अभी अभी मुझे बताया गया है यहाँ पर श्री राम भगवान जी ने अपना धनुष रखा था। भगवान ने बनाया है, प्राकृत बनाने ये भगवान ने रचना की है इसकी। तो फिर ब्रह्मा जी ने की होगी ताकि कुदरती है, बड़ी अच्छी ऐसी कुमार इसमें नहीं है। क्या बात है, ऐसी चट्टाने देखिएगा, चट्टाने देखो कैसा यहाँ पानी आ रहा है, क्या आश्चर्यचकित। और ये पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी ये बताइएगा, गीली हर एक चट्टान है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, इससे रिस नहीं रहा, ये कमाल है। ऐसे मैं चाहूंगा कैमरा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है कोई भी दृश्य उससे छूटे ना, कैमरा चारों तरफ ऊपर से लेके नीचे तक जाए और इस गुफा का हर एक दृश्य ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस देखे और जाने कितनी कमाल की ये गुफा है। अब ये बताइए छोटू जी, ये क्या कट से दिख रहे हैं, क्या ये काटे गए, नेचुरल है? नहीं नेचुरल है सर, प्राकृतिक है। जी जी प्राकृतिक है वो, तो उसमें हर हमेशा पानी रहता है। हमारे बाबा और पिताजी इनके लोगों को पुरखों के जमाने से। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट में हैं और चित्रकूट में गुप्त गोदावरी घूमने आए हैं। हमें गुप्त गोदावरी के बारे में सब कुछ हमारे छोटू द्विवेदी जी बताएंगे और हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर गुप्त गोदावरी के रहस्य को जानते हैं। और आप देखिए कितनी कमाल की ये चट्टाने हैं जिनसे होते हुए हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा आपको नजर आएगा। छोटू जी बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में आपका, कुछ बताइएगा हमें इस गुप्त गोदावरी के बारे में। ये 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा बताई जाती है। ओ 9.5 लाख वर्ष पुरानी जी, क्या बात है। एक रामायण में श्लोक है कि प्रथमन देव ही गिर गुफा राखो रुचिर बनाए और राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे। ये राम दरबार। ओ चलते हैं ऊपर, चलते चलते बात होती है। तो राम जी कभी यहाँ रहे होंगे आके? बिल्कुल, यहाँ पर 11.5 वर्ष निवास किए पूरे चित्रकूट में। ये 84 कोस में आता है, एक निर्धारित ये नहीं हम कह सकते कि यहीं पे, पर हर जगह वो निवास किए जी, इसलिए राम दरबार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। क्या बात है, तो आपका कहना है ये लगभग 9.5 लाख साल पुरानी ये शिलाएं हैं। और पानी का क्या रहस्य, जो पानी बहता है ये सर गोदावरी जो आपके त्र्यंबकेश्वर नासिक पंचवटी में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए ये नासिक से विंध्याचल पर्वत को तोड़ती हुई यहाँ पर प्रकट हुई हैं। वही धारा यहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपने चरण धुले और माता सीता जी ने उसी जल में स्नान किया है। और यही जल बाहर 100 कदम निकलने के बाद ये वो गुप्त हो जाती है, इसलिए इस धाम का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जाना। मतलब यहाँ से गोदावरी जी का उद्गम होता है लेकिन एक स्थान पर जाके गुप्त हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता कि पानी जा कहाँ रहा है। जी नहीं।